रुकरते जशपुर से खबर का, जहां पर बटुरा बहार गांव में पिछले 5 सालों से सरकारी प्राइमरी स्कूल भवन के अभाव में एक टीन के शेड में नीचे संचालित हो रहा है। यहां पर 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। वर्तमान में यहां पर 28 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं में से एक छात्र ने अच्छे से स्कूल के लिए सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल यहाँ पर प्राथमिक स्कूल भवन पुराना होने के कारण बदहाली की स्थिति है। विभाग ने बदहाल स्कूल को तुड़वा तो दिया, लेकिन यहाँ पर नया भवन नहीं बनाया गया। शिक्षा विभाग ने ना तो कोई व्यवस्था बनाई, ना ही नए भवन के निर्माण को लेकर ध्यान दिया। अब इसका खामियाजा देखिए, स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बैठते हैं, बरसात के दिनों में हम लोग का बैग सब भीग जाता है, गर्मियों में हम लोग के ऊपर धूप बहुत होता है, तपता भी है। हम सरकार से निवेदन है कि हमारा एक अच्छा सा स्कूल बन सके, हम उसमें पढ़ सके। प्राथमिक शाला टोंगरी पारा में मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ कितने सारी परेशानियाँ हैं। बरसात के दिनों में यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, बारिश दोनों साइड सभी साइड से आती है, जमीन गीला हो जाता है, तो यहाँ बस्ते भींग जाते हैं बच्चों के, हमारा पढ़ाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। गर्मियों के दिन में भी इतनी तपती गर्मी में हम इस शेड के नीचे बैठते हैं, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, जिस कारण हमें पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। सर, कल ही हमको आप लोगों के माध्यम से यहाँ संज्ञान में आया कि टोंगरीपारा विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पे तीन सेट में अध्ययन अध्यापन कार्य किया जा रहा है। तो तत्काल मैंने मतलब आज यहाँ पे उपस्थित हुआ और देखा तो वास्तव में यहाँ परेशानी है, और इसकी जानकारी हम लोग वरिष्ठ कार्यालय को देके मतलब जल्द से जल्द इसका निराकरण करा लेंगे।